एक बार ना एक गांव था, उस गांव में ना ये गांव गांव इस गांव में एक खदान थी, खदान खदान में सोने की खदान, इस गांव में भयंकर सोने की खदान थी। इस खदान के बारे में, अब खदान थी लेकिन खदान को खोज रहे थे दो लोग। ये दो लोगों को पता था कि यहां पर खदान है और ये खोजते रहे। इन्होंने क्या किया, रिस्क उठाया, अपनी उम्र लगाई, अपने टाइम लगाया और इनको पता था कि यहां खदान है और बस ये ने कब्जा करना चाहते थे। ये सोना जब बाहर निकले तो ये सोना सारा हमारा हो, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत कर रहे थे, टाइम दे रहे थे, समय लगा रहे थे, समझ रहे हो। अब ये बात है ना, ये खदान की बात कुछ और लोगों को भी पता लगी तो वो भी पीछे से आए, चलो अपन भी थोड़ा रिस्क उठा लेते हैं। तो थोड़े बंच ऑफ पीपल हैं जो कि रिस्क उठाने को तैयार हैं, बोलते हैं चलो ठीक है खदान है तो ये दो लोग लगे हुए हैं तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ना, तो चलो अपन भी रिस्क उठाते हैं। तो ये 10 लोग और थे। अब पता है यहां पर समस्या थी, एक इस गांव में जो खदान थी उसमें समस्या थी, वो इन लोगों को पता थी, इनको पता थी, थोड़ा बहुत इनको भी पता थी। क्या समस्या थी, यहां पर कभी भी भूकंप आ सकता था, समझना, कभी भी अर्थ को भी आ सकता था, धरती हिल सकती थी और मर भी सकते थे। अब देखो ये चीज, अब इन्होंने सोचा ठीक है देखा जाएगा, बात सोने की है, बोले चलो रिस्क उठा लेते हैं, आएगा भूकंप तो देख लेंगे। ये तो पूरी तरह से तैयार थे, ये कब से तैयार थे, बोले हमें तो सोना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी मकसद से। लेकिन बोले चलो हम भी थोड़ा बहुत रिस्क उठा लेंगे। ये 5-10 लोग और आ गए, लेकिन उस गांव में बाकी जो लोग थे वो इस खदान में नहीं जाना चाहते थे। क्यों? हैवी रिस्क। और क्यों, कारण समझो, ये भूकंप आता है ये इनको पता था लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं आता। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन दोनों लोगों का कहा कि इधर कभी भी भूकंप आ सकता है, इधर तो सांप लौटते हैं, इधर तो चुड़ैलें घूमती हैं। काफी कहानियां आगे बढ़ाई, इनको थोड़ा बहुत पता लगा, इन्होंने 4 बातें और लगा दी। गांव वालों में या इन लोगों में इतना डर बैठ गया कि वहां पर कोई जाता ही नहीं था, समझना। तो ये लोग ऐसे हैं जो खदान के पास जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने, इनको पता था सिर्फ भूकंप आता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, भूकंप भी आता है वहां पर तो सांप भी हैं, चुड़ैले भी हैं, खा जाएंगे तुम मर जाओगे, धरती हिलती है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो फिर वहां पे। इन्होंने उड़ाई 4 बात, इन्होंने उड़ाई और 4 बात और जोड़ दी, इनकी 4 बात से 8 बात हो गई। तो 8 डेंजर देख के ये लोग बोले अपन को तो जाना ही नहीं है। सो ये जो पीपल है, ये बंच ऑफ पीपल, ये रिस्क नहीं उठाना चाहते, बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहते, बोले हमको तो जाना ही नहीं है उसके पास। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े उसके करीब हैं, समझ रहे हो, भूकंप काम आएगा देखेंगे, अगर मौका मिलेगा तो हम भी हाथ मार लेंगे। लेकिन ये दो लोग जो है ना, इनको सारी सच्चाई पता थी कि क्या है, क्यों है, कैसे है। एक दिन भूकंप आया, हिली धरती, सच हो गई बात, हिली धरती, हिल गई। अब जैसी धरती हिली, अब बहुत सालों बाद आया था, इनको तो पता है कि धरती हिलने के बाद कुछ नहीं होगा, ये उनको पता है, और धरती हिलेगी तो सोना निकलेगा। लेकिन जैसी धरती हिली ये भागे, इनको बताया कि धरती हिली भागो, सब अंदर नीचे जाने वाला है, भागो भागो यहां से भागो। ये जो 10 लोग थे रिस्क उठाने को तैयार थे, ये भी भाग गए, समझ रहे हो, ये भी भाग गए, बोले भागो भागो यहां से, धरती हिलेगी, सारी धरती धस रही है, भागो। ये भी भाग गए। अब ये भागे तो इनमें तो वैसे ही डर था, ये तो वैसे ही नहीं जाना चाहते थे, इनके ऊपर हंस रहे तुम गए क्यों थे। तो ये सारे के सारे एक साथ ही हो गए। अब मजे की बात देखो, जब धरती हिली तो इनको अच्छे से पता था धरती हिलेगी तो अंदर से सोना निकलेगा, सारे सोने पर इन्होंने कब्जा मार लिया।